अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। डैंड्रफ जो है वो बहुत कॉमन मसला है, बहुत सालों से, अरसे से, बहुत सदियों से चलता आ रहा है, लेडीज़ में भी, जेंट्स में भी। और इसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते जो है वो सब पागल हो गए हैं। कोई टोटका आजमाया जाता है, कोई और प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन उसके खातिरखा असरात समटाइम्स उस तरह से नहीं मिलते, या फिर उसमें बहुत खपत करनी पड़ती है कि टोटके जो हैं वो मुसलसल करने पड़ते हैं, हैक्टिक हो जाता है उनको बनाना, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उनको बनाने के लिए, उन टोटका जात को, और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं उसको बनाने के लिए। तो यहाँ मेरे पास एक सिंगल सॉल्यूशन है, सिर्फ आपने एक सिंगल प्रोडक्ट ख़रीदनी है मार्केट से और उसको आपने यूज़ करना है अपने बालों पर, और आपको मिल जाएगी निजात डैंड्रफ से हमेशा के लिए। अब वो क्या प्रोडक्ट है, वो इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं वो प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ। सिंपल ये है वो प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरी आजमूदा प्रोडक्ट है। सेल्सन ब्लू शैम्पू है, ठीक है। तो इसको आपने यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले आपने बॉटल को अच्छी तरह से हिला लेना है। अदरवाइज़ इसका जो केमिकल कंटेंट है वो डार्क कलर में होता है, वो ऊपर होता है, वो आपकी पाम पे आ जाएगा, और जो फोमिक कंटेंट है वो नीचे रह जाएगा। आप इसको शेक करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कंपोजिशन जो है इसकी होमोजेनस हो जाएगी, और ये अच्छा इफ़ेक्ट लाएगा आपके बालों पर, ठीक है। इसको अपने पाम पर ले कर तो स्कैल्प पे अप्लाई करना है, जड़ों में जो बालों की रूट्स हैं, जो स्किन है हमारे सर की, उस पे अप्लाई करना है ताकि डैंड्रफ जो है वो उस पे ये असर करे, ठीक है। और फिर बाकी का फोम जो है वो अपने बाकी बालों पे भी ज़ाहिर है आपने अप्लाई करना है, लेकिन ये मेक श्योर करें कि आपकी स्किन और जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएँ, और फिर बाकी बालों पर अप्लाई कर लें। और उसके बाद फिर आप जो है ना इसको कोशिश करें एक दो मिनट के बालों में, रूट्स में रहे, फिर आप इसको रिंस ऑफ कर दें। और मैं तो ये करती हूँ कि इसको अपने फेस पे, ख़ासतौर पे फोरहेड और ईयर्स वगैरह पे और नेक पे भी इसका फोम जो है उसको स्क्रब कर लेती हूँ, क्योंकि जब डैंड्रफ बालों में होती है तो वो स्किन पे भी आती है, बाकी मतलब इर्द गिर्द की स्किन पे। आपके आपने देखा होगा जब ज़्यादा डैंड्रफ हो तो फेस पे भी हल्के हल्के से रेड कलर के दाने से आ जाते हैं, ख़ासतौर पर फोरहेड पे, और कानों में भी खुश्की आनी शुरू हो जाती है, कानों के अंदर, पीछे, और इसके जो फोल्ड्स होते हैं कानों के, उस पे, नेक पे भी। तो ये आपको मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, इसमें देखें ये इस तरह से, ये देखें वर्स्ट कंडीशन जब हो तो इस तरह भी हो जाता है। इतनी वर्स्ट कंडीशन अल्लाह का शुक्र है हमारी तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आता है। ये शैम्पू का कलर आएगा लाइट ब्लू सा, ठीक है, जब आप इसको शेक करके निकालेंगे। ये शैम्पू 100% आपकी डैंड्रफ ख़त्म कर देगा, लेकिन आपने इसी को साल 6 माह मुसलसल यूज़ करना है। लेकिन शर्त ये है कि आपने ये ही प्रोडक्ट यूज़ करनी है। आप अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर डैंड्रफ दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता आ सकती है दोबारा से, ठीक है। आप इसको यूं ही समझें जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हार्ट की मेडिसिन हमेशा खानी पड़ती है, या किसी को कोई और शुगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको शुगर की मेडिसिन हमेशा खानी पड़ती है, इसी तरह से। बस ये है कि साल 6 माह आप कंटिन्यूस इसको यूज़ करें, उसके बाद चलें कभी ख़त्म हो गया, एक आध दफ़ा स्किप हो गया, या आप कभी मेहमान गए हैं कहीं आपके पास नहीं है ये वाले शैम्पू, आपने कोई और यूज़ कर लिया, इस तरह से कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यह है कि ये आपका एक कंटिन्यूस शैम्पू होना चाहिए, जैसे आपकी स्किन पर कोई चीज़ सूट करती है तो आप वही अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं, इसी तरह ये समझ लें अगर ये आपको सूट कर गया तो आपने यही शैम्पू फिर यूज़ करना है। मेरे बालों पे हेड एंड शोल्डर और पैंटीन एंटी डैंड्रफ, इस तरह का कोई शैम्पू भी डैंड्रफ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सिर्फ इसने कंट्रोल की। मैंने एक दफ़ा अपनी फ्रेंड से जिक्र किया, मेरे मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर अरशद साहब की बेटी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये शैम्पू यूज़ करें, और मैंने उन्हीं के घर पहली दफ़ा ये शैम्पू यूज़ किया था, और उसके बाद मैं सुकून में आ गई इस शैम्पू को जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है, थैंक्स टू फारिया एंड थैंक्स टू दिस शैम्पू। डिफरेंट पैकिंग्स आपको मार्केट में मिलेंगी, और ये शैम्पू आपको मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगा, इसके अलावा किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से भी मिल सकता है, ठीक है। जो डिफरेंट पैकिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से जो भी आपको मिले, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। इसमें जो यूजुअली ये वाली जो नज़र आ रही है इस वक्त प्रोडक्ट, ये कॉमनली मिलती है मेडिकल स्टोर्स से, ठीक है। और बाकी की ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें आपको नज़र आ रही हैं इस पिक्चर में, वो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर से भी मिल जाती हैं। एक्चुअली ये डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट हैं। आपको जो भी मिल जाए और जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ले लें। इसमें जो हमें कॉमनली मेडिकल स्टोर से मिलती है उसमें एक येलो कैप वाली होती है, एक ब्लू कैप वाली होती है, ठीक है। जो
ब्लू कैप वाली है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली हेयर, और जो येलो कैप वाली है दैट इज़ फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प, ठीक है। तो वो आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग आप उसमें से चूज़ कर लें और उसको यूज़ करें। इसकी बैक साइड की पैकिंग है, ये इसके डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आपको सूट करे वो आप ले लें। और ये वाली जो इसकी पैकिंग है ये मुझे एक अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिली थी और ये बहुत सूटेबल लगी थी, जो मेडिकल स्टोर से पैकिंग मिलती है उससे भी ज़्यादा ये जो है वो मुझे इफ़ेक्टिव लगी थी, लेकिन उसके बाद ये मुझे मिलना बंद हो गई, डिपार्टमेंटल स्टोर से भी अब मुझे नहीं मिलती, तो मैं मेडिकल स्टोर वाली ही ये वाली पैकिंग यूज़ करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अगर आपको भी डैंड्रफ का मसला है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो आप ये शैम्पू यूज़ करें और मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ़ौरन आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको फ़ौरन से देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। कॉमेंट सेक्शन में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।